से आए हो, अमेरिका से आए हो, मारना पड़ेगा सर। हाँ तो कल तो आपका सब खरीदना भी है, बहुत सारा चीज़ मार्केटिंग वगैरह करोगे, तो यहाँ सबसे पहले वेदव्यास धाम जाओगे। वेदव्यास धाम में क्या है ना, तीन नदी का संगम है, मतलब इधर कोयल, शंख और सरस्वती मिलके ब्राह्मणी बना है, तो वहाँ जाके दर्शन करना। वहाँ पर दो दो स्वयंभू शिव मंदिर हैं। हाँ, और वेदव्यास जी वहाँ गुफा है, वहाँ पर लिखे थे जितने सब व्यासेन ग्रथितम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम, तो वहाँ व्यास गुफा है और बहुत पुरातन, और बोलते हैं कि उसके अंदर से करीब करीब 52 कोस का रास्ता है, तो हमारे सबसे आध्यात्मिक स्थान है। दूसरा, आप जिस होटल में रहते हो सामने देखना, बहुत बड़ा माता वैष्णो देवी का टेम्पल है, ठीक है, और ऊपर भैरव जी का मंदिर है टॉप में, चढ़ने में 1 घंटा, उतरने में 1 घंटा, बहुत टॉप पहाड़ है, ठीक है। फिर उससे आगे जाओगे, हनुमान वाटिका है, जो एक जगह में करीब करीब 51 मंदिर हैं हनुमान जी के, यहाँ अलग 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 मंदिर हैं, तो इट्स वेरी वेरी गुड स्पिरिचुअल प्लेस। उसके पीछे अच्छा खाना मिलता है, माता रानी का मंदिर, खट्टू श्याम का भी मंदिर, हाँ हाँ वहाँ। और फिर उससे आगे थोड़ा सा चले जाओगे, जो हमारे यहाँ का उसी वेदव्यास लाइन पे घोघरधाम स्वयंभू शिव मंदिर और माँ दक्षिण काली का मंदिर, और यहाँ का जो बेस्ट शिव मंदिर है देवगांव स्वयंभू है, और उस मंदिर का गेट एंट्रांस पश्चिम दिशा का है। हर मंदिर पूर्व दिशा का होता है, वर्ल्ड में चंद मंदिर में से वो मंदिर है जो वेस्ट फेसिंग है। अच्छा। ऐसा हमारे स्पिरिचुअल मतलब राउरकेला एक खाली स्टील सिटी नहीं है, एक स्पिरिचुअल सिटी भी है, ठीक है। और बढ़िया इको टूरिज्म, आईजी पार्क है, जुबली पार्क है, डियर पार्क है, और राउरकेला तो ऐसे ही ग्रीन ग्रीन सिटी है, जहाँ जाओगे जंगल जंगल, मतलब जंगल के अंदर शहर बना हुआ है। और इस कोने में जाओगे तो माता झुनझुन रानी, ये सब स्पिरिचुअल घूमने वाला जो आध्यात्मिक स्थली हैं। और 50-60 किलोमीटर दूर में तो है बाणेश्वर बाबा का धाम है, और घोघर धाम है, इधर जटिया बाबा का सबसे पहाड़ के ऊपर जटिया बाबा का शिव मंदिर, बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर शिवलिंग का मंदिर। तो ये जो राउरकेला शहर के अंदर है, जो बहु पुरातन स्थिति है, ज़्यादातर राउरकेला में हमारे दक्षिण काली माता का मंदिर बहुत मिलेगा, दक्षिण काली का मंदिर, और बड़े रिनाउंड मंदिर है, मतलब 50-60 तो दक्षिण काली के ही बड़े छोटे मंदिर पड़े हैं, और भोलेनाथ का, मतलब ये काली और शिव का स्थान है, और जो घूमने वाला जगह जो बता दिया, पास ही है सब, वहाँ पर जाके दर्शन कर सकते हैं। और शनि बाबा का भी एक बहुत बड़ा वहाँ पर स्थान है, तो जब आए हो तो ये सब घूम लेना चाहिए, अच्छा जगह है।